हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नंदू सबका बंधु के घर से मिलकर पेश है एक और धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी इमोशनल हो गई। वीडियो में क्या है आप लोग चल के देखना वीडियो में, और मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के बाद। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या नाम है आपका? शिवानी। बहुत प्यारा नाम है। आप यहाँ किसी को वेट कर रहे हो? नहीं, मेरे को लगा मेरा वेट कर रहे थे आप। हे शिवानी, तू लगती है नानी, ऐसा कुछ सुना है आपने बचपन में? बहुत लोग चिढ़ाते भी होंगे ना। मैं थोड़ा ऊँचा सुनता हूँ, क्या कहा आपने? कैन वी गो? हाँ चलते हैं। कैन यू गो? अच्छा मतलब मैं जाऊँ, मेरे को इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है। क्या हो गया मतलब? अच्छा वैसे एक चीज छोटी सी पूछूं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? क्यों नहीं? मैं यहाँ आ रहा था ना, तो मेरे को वो आकाशवाणी हुई कि इस लड़की के पास मत जाना, बहुत पिटोगे। प्लीज मेरा बोल दिया आप चाहिए हैं, ये बातें करने का मेरा मूड नहीं है, आप चाहिए मैं आपका अकेला रहना। अच्छा आपका बात करने का मूड ही नहीं है, मतलब कभी कभी गूंगे हो जाते हो क्या? आप प्लीज चाहिए, बात कर रहा हूँ यार, नॉर्मल बात करो, मेरा काम है बात करना। क्या हो गया? बात चाहिए आपको, क्या मतलब? नहीं फिर भी इस तरीके से आप मेरे को भगा रहे हो, बिल्कुल धुतकार के जैसे कुत्ते को भगा देते हैं। नहीं जान पहचान बनाने आए हो ना? अच्छा फिर भी, अच्छा मैं स्ट्रेंजर हूँ तो ठीक है, मैं अपना नाम बता दे। तो मेरा नाम नंदू है। आपको मुझसे बात ही नहीं करनी? मतलब बात क्यों नहीं करनी? नॉर्मल बात तो किसी से भी इंसान कर सकता है। आपसे कोई टाइम पूछना है तो आप बात नहीं करोगे? लेकिन आपको, आप फालतू बातें कर रहे हो। मैं नहीं मैं फालतू अकेला बैठना चाहती हूँ। अच्छा आप अकेला बैठना चाहते हो? मैं फालतू बात नहीं कर रहा, मैं अभी आया हूँ, दोस्ती होगी उसके बाद रिश्तेदारी होगी। नहीं करनी दोस्ती यार, प्लीज आप जाइए यहाँ से। क्या हो गया मतलब? आप तो आप मतलब फ्रेंडशिप नहीं करते किसी से? अच्छा तो आप किसी को वेट कर रहे हो सही में? इंटरव्यू से रिजेक्ट होके आए हो? फिर हुआ क्या है? मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है लोगों से उनकी प्रॉब्लम पूछना। फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा फिर सब ठीक है? हाँ। नहीं आप जैसे जिस मूड में बैठे हो, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि कोई अंदरूनी दिक्कत हो। ठीक है सब? हाँ मुझे दिक्कत है, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊँ? आपको दिक्कत है लेकिन मेरे को क्यों बताओ? बता दो मतलब जैसे शेयर करते हैं ना, किसी से शेयर करो दिल हल्का हो जाता है। आप मेरे लिए बिल्कुल रैंडम है, मैं आपसे कैसे शेयर? तो रैंडम मैं अपना नाम बता दो। हेलो मेरा नाम नंदू, आप अपना नाम बताओ। नहीं मैं शिवानी। शिवानी लो हो गई जान पहचान, अब बताओ क्या हुआ? देखो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहता कि यार मेरे को बताने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता है कि यार जब तुम किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो थोड़ा बहुत दिल हल्का हो जाता है। क्या पता सामने वाला बंदा कुछ हेल्प भी कर दे, होता है ना ऐसा। कभी कभी कुछ ऐसे लोग टकर जाते हैं जो एक्चुअल में हेल्प करना चाहते हो। आप क्यों जानना चाहते हो? नहीं मेरा एक्चुअली मैं यहीं रहता हूँ, मतलब सीपी में मेरा काम है, तो मैं मतलब लोगों से मिलता रहता हूँ, जैसे मेरा काम ही मिलने वाला है लोगों से। तो ऐसा रिएक्शन जैसे आप मेरे को कह रहे हो कि आप मूड में ही नहीं हो आप जाओ, इस तरीके से मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो इसलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, वरना फिर मेरे को क्या कथा। आप बोल रहे थे मैं उठ के चले जाता, लेकिन जैसे आपने बिहेव किया ना, मैं मतलब मेरा मन कह रहा है कि हाँ आपसे बात करूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हो गया। मैं अपनी फैमिली की साइड से थोड़ा परेशान हूँ। फैमिली की साइड से? शादी करवा रहे हो लोग? फिर एक्चुअली मैं स्टेप डॉटर हूँ। अच्छा आप स्टेप डॉटर? हाँ, हो और वो मेरे साथ कुछ अच्छा ट्रीट नहीं कर सकते, करते हैं मेरे जो भाई हैं स्टेप ब्रदर है मेरे। अच्छा। वो बहुत बुरी तरीके से बिहेव करते हैं। आपके भाई वगैरह बहुत बुरी तरीके से बिहेव करते हैं? बिल्कुल ऐसे कोने में रखते हैं मेरे को, ना कहीं बाहर जाने देते हैं। गवर्नमेंट के स्कूल ही में एडमिशन करवाया। अच्छा। प्राइवेट में जाते हैं, ना किसी दोस्त से मिलने देते हैं। अच्छा वो लोग प्राइवेट में जाते हैं, आपको गवर्नमेंट में? ना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं मेरा। अच्छा बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते? सो बैड। अच्छा यही सब मतलब देख के तुम यहाँ अकेले बैठे हो हैं? तो घर के थोड़ा मन फ्रेश होता है। अच्छा हाँ अकेले बैठने से कोई है नहीं, जिन्होंने कभी बनाने नहीं दिया। अच्छा तो इसलिए आप अकेले बैठे हो कि घर से? घर कहाँ है वैसे आपका?
पास में ही है। अच्छा पास में ही है, तो क्या बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हो आपका? कब आता है आपका बर्थडे? 3 अक्टूबर। तो कुछ मतलब केक वगैरह कुछ नहीं? विश किया उन्होंने या नहीं? सुबह बस ऐसे ही। अच्छा तो हमने मम्मी पापा से बात नहीं करी आपने इस मामले में कि हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर नहीं मतलब नहीं था तो फिर मेरे को लाए क्यों? वो लोग बात करना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा वो लोग बात ही नहीं करने देते, खाली घर में रहो और काम हो, काम करते रहो। हैं यार ऐसे तो फिर जैसे आपकी आप स्टेप डॉटर हो, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसे तो कई सारी लड़कियां स्टेप डॉटर होती, सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी ना? उसमें तो होती होगी। अच्छा कुछ को अच्छा भी मिल जाता है भाई लग। अच्छा अच्छा तो वो लोग बात ही नहीं करना चाहते है ना? नहीं तो मतलब अब आप, मैं तो आपकी कंडीशन समझ भी नहीं सकता, आपके घर में क्या बीत रही हो। मैं तो आपसे बस सुना, जो मेरा दिमाग कह रहा है उतना ही समझ सकता हूँ। वैसे आप क्या पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। कौन सी क्लास में? बीकॉम। बीकॉम कर रहे हो अभी? अच्छा मतलब जो आपकी स्कूलिंग हुई थी वो गवर्नमेंट से हुई थी? और कॉलेज भी प्राइवेट थी, प्राइवेट घर से बैठ के। अच्छा अच्छा मतलब ओपन से मतलब फॉर्म भरवा दिया, खाली फॉर्मेलिटी कर दी मतलब उन्होंने। चलो यार अब जो हो गया उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता देता हूँ मैं एक्चुअली कौन हूँ। मैंने जैसा आपको बताया कि मैं यहीं रहता हूँ और लोगों से मिलता रहता हूँ। मेरा ना एक छोटा सा यूट्यूब पे चैनल है, तो मैं उसके लिए वीडियो शूट करता हूँ। तो अभी जो मैं आपके पास आया हूँ ना, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, वहाँ हमारा कैमरा लगा हुआ, देखो एक बार सामने। अच्छा, हाँ ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन यार मैं यही कहूँगा कि यार ना आप ना परेशान मत हुआ करो, जो भी मतलब जैसे आपको जो फैमिली ट्रीट नहीं कर रही, अब मेरे को अपना बड़ा भाई समझो या छोटा भाई, जो भी आपको समझना है। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर करो, मतलब कुछ भी ऐसा, ठीक है ना? मेरे को अपना हाँ आएगा तो तुम लोग कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर अगर प्रॉब्लम हो तो हम वीडियो डिलीट कर देंगे, नहीं तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम वीडियो पोस्ट कर देंगे। नहीं फैमिली अगर देखेगी तो हो सकता है वीडियो देख के सुधर जाए ना, है ना? क्योंकि अब यार मतलब किसी को मोटिवेशन देना बहुत अच्छी बात होती है कि हाँ अगर वो गलत कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, है ना? तो आप एक काम करो, मेरे को अपना भाई समझो, और अगर आपका मन करे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपका जो अगले वाला बर्थडे होगा वो मैं सेलिब्रेट करवाऊँगा आपका, ठीक है? और आप हमेशा खुश रहा करो, ठीक है? परेशान मत होना। देखो अकेले बैठ के अच्छा, अकेले बैठना खुद से बात करना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन परेशान हो गए नहीं, कभी कभी वैसे ही टाइम निकाल के आप अपने से बात करो। बाकी आप अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हो, धीरे धीरे करके यार लाइफ सेट हो जाती है, ठीक है? चलो अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है नंदू सबका बंधु, तो आप वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? ओके, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नंदू YT यूज़र नेम है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को ज़रूर याद करना, ठीक है? ओके, नाइस टू मीट यू। तो दोस्तों कैसे भी आपको हमारी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो नंदू सबका बंधु। और भाई लोग मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिस किसी के भी घर में ऐसी स्टेप डॉटर स्टेप सिस्टर है उनकी कदर करो यार, क्योंकि यार वैल्यू उनकी भी बराबर ही है और उनकी भी स्माइल की वैल्यू है। तो यार किसी को अपने घर ला के ऐसे ट्रीट मत करो कि यार उनको बिल्कुल दूसरा वाला व्यवहार करो, सबके साथ प्यार से रहो और खुश रहो, ठीक है? मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।